दोस्तों आज के समय में आईफोन को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसके चलते ग्लोबली आईफोन की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड वाइड बिकने वाले आईफोन्स में भारत की हिस्सेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईफोन के अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक, इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग की 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी चीन के पास है, जहाँ पर चीन अलग अलग मैन्युफैक्चरर से इनके प्रोडक्ट्स को बना करके कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि एप्पल चीन से बाहर हो रही है। हाल ही में आई बिजनेस नेट की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल चीन के पड़ोसी देश जैसे कि भारत, वियतनाम जैसे देशों को सिलेक्ट कर रही है, जहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से हटा करके इन कंट्रीज में शिफ्ट करने जा रही है, जहां पर इसके कई बड़े रीजंस हैं। पहली चीज तो चीन और अमेरिका के बीच में जो अनबन है, इसके चलते अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। वहीं चीन के अंदर कोविड भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसके चलते एप्पल को लास्ट ईयर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए भी एप्पल अब वहां से शिफ्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल को लास्ट ईयर लगभग 8 बिलियन US डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था कोविड-19 की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़े चांसेस बन चुके हैं भारत को लेकर के, क्योंकि वियतनाम ने पहले से ही एप्पल के कॉम्पिटिटर यानी सैमसंग की बहुत सारी यूनिट्स को अपने कंट्री के अंदर इंस्टॉल कर रखी है। और साउथ कोरिया भी चीन से धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है और उन्होंने वियतनाम को तो अपना केंद्र बना करके रखा है। और ऐसे में एप्पल के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन सामने है, वो है भारत, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल दुनिया में बिकने वाले आईफोन्स में 3.1% हिस्सेदारी थी भारत की, उसे अब एप्पल इस साल बढ़ाएगी, यानी कि इसे 6-7% बढ़ा दिया जाएगा ग्लोबल मार्केट में जो आईफोन्स भारत में बने होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फॉक्सकॉन के द्वारा भारत में पहले से ही आईफोन्स के लेटेस्ट मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और अब एप्पल ने काफी ज्यादा तेजी दिखानी शुरू कर दी है भारत में अपने प्रोडक्शन को लेकर के। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत को ही ओवरऑल फायदा होने वाला है, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और भारत से आईफोन्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो एप्पल के इस बड़े डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।